कहीं लोग आते। चुनाव आयोग ने देश के तीन बड़े नेता अमित शाह, राहुल गांधी और लालू यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में नोटिस भेजे हैं। बिहार के चुनावी रण में आज गरजेंगे पीएम राहुल, अररिया में होगा दोनों का आमना सामना, पीएम की पूर्णिया और दरभंगा में भी चुनावी सभा। देश के मौजूदा हालात को लेकर सोनिया और राहुल गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, घृणा फैलाने वालों की साजिश से लड़ने का सोनिया ने संकल्प लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर जुमलेबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जुमलों के सहारे देश चलाने वालों पर बिहार के लोग नकेल कसने वाले हैं। मध्य प्रदेश की पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले ने इंसानियत को किया शर्मसार, बच्चे ने एक रुपया मांगा तो मंत्री ने सिर में मारी लात। दिल्ली सीएम केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर हमला, कहा 1984 के दोषियों को मिली होती सजा तो नहीं होती गुजरात और दादरी जैसी घटना। छोटा राजन को भारत लाने वाली बाली पहुंची भारतीय टीम, बाली पुलिस ने जब्त किए छोटा राजन के मोबाइल और लैपटॉप। भारत की ब्रांड वैल्यू पर 32% का इजाफा, विश्व की नामी कंपनी ब्रांड फाइनेंस की सूची में 7वें नंबर पर इंडिया। ब्रह्मोस मिसाइल का INS कोची से सफल परीक्षण, अरब सागर में लक्ष्य के तौर पर मौजूद सेवा मुक्त जहाज को भेजा। हरभजन सिंह के शादी रिसेप्शन में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर और बॉलीवुड हस्तियों ने बढ़ाई शोभा। आज बॉलीवुड के बादशाह और लाखों के दिलों की धड़कन शाहरुख खान का जन्मदिन, शाहरुख आज 50 साल के हो गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वन बैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक पिछले 145 दिनों से धरने पर बैठे हैं, उनके साथ अब पैरा मिलिट्री फोर्सेस के पूर्व जवान और अफसर भी अपनी मांगों को लेकर धरना देंगे। कानपुर में मानकों के विपरीत चल रही जूता फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सहित 4 लोगों की मौत हो गई, मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है। गैरसैंण को राजधानी के तौर पर देखने की इच्छा यहां के लोगों में भी प्रबल है, गैरसैंण में पहले ढांचागत सुविधाएं नहीं थी लेकिन वर्तमान समय में गैरसैंण के भराड़ी सैण में चित्रा विधानसभा का निर्माण हुआ। गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रीनगर पौड़ी में गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, पिछले काफी समय से श्रीनगर में समस्या आ रही है। मृतक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगभग 12 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बागेश्वर जिला मुख्यालय से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर बसे शांतेश्वर इलाके में भी लोग पलायन कर रहे हैं।